सो दिस इज द डार्क नाइट टैटू पेन जो कि मुझे भेजा है ओजी प्रोड्यूस नाम की कंपनी ने। अब इस मशीन में क्या अलग है, बेसिकली 2.6 mm से लेके 4 mm तक आप इंटरचेंज कर सकते हो स्ट्रोक्स को। सो एक ही मशीन के अंदर आप सॉफ्ट शेडिंग कर सकते हो 2.6 mm के स्ट्रोक पे, और 4 mm के स्ट्रोक पे आप क्रिस्प लाइनिंग और कलर पैकिंग कर सकते हो। अब इस मशीन की करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या अलग है इस मशीन में। सो दिस इज हाउ द पैकिंग इज, इस तरीके से पैक हो के आता है। इट इज़ अ हार्ड कवर बॉक्स, तो इसको जब अनजिप करते हैं सो वी गेट अ मेमोरी फोम। सो बेसिकली जब आप ट्रैवल करते हो या आपने मशीन को स्टोर करके रखा हुआ है तो दिस मेमोरी फोम इज़ वेरी गुड बिकॉज आपकी मशीन बिल्कुल सेफ रहती है। मशीन के साथ में कुछ मैनुअल्स आती हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो मशीन को। देन दिस इज़ द एक्चुअल मशीन दैट यू गेट, इसके अंदर ऑलरेडी एक बैटरी लगी हुई है। देन इसके साथ एक अलग से बैटरी भी आती है जो कि अगर आपको लगता है कि बैटरी आपकी फिनिश हो गई है तो आप इस बैटरी को यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ रियली वेरी नाइस थिंग। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों बैटरीज आपकी फिनिश हो गई हैं देन यू ऑल्सो गेट दिस RCA मॉड्यूल। सो बेसिकली आप बैटरी को हटा के ये RCA मॉड्यूल लगा सकते हो और RCA और नॉर्मल पावर सप्लाई के साथ मशीन को पावर कर सकते हो। सो एक्चुअल मशीन के अंदर आप इस तरीके से बैटरी को हटा सकते हो एंड देन ऐसे आपका RCA में मशीन रेडी हो गई। आप किसी भी नॉर्मल पावर सप्लाई के साथ मशीन को रन कर सकते हो और उसके साथ साथ आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल रही है 2.6 mm से लेके 4 mm का स्ट्रोक चेंज करने के लिए। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शेडिंग करनी है तो 2.6 mm का स्ट्रोक आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट शेड्स देगा, स्मूथ ब्लैक एंड ग्रेज देगा। और अगर आपको कलर पैकिंग करनी है देन 4 mm इज़ द बेस्ट फॉर यू, कलर पैकिंग, क्रिस्प लाइनिंग। और अगर आपको स्ट्रिपलिंग करनी है, पेपर शेडिंग करनी है देन 4 mm इज़ वेरी गुड। बट डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है 3.8 mm, 3.5 mm, 3.2, 3, 2.8 एंड देन 2.6 mm एंड देन दिस इज़ ट्विस्ट टू टर्न। आप इसको घुमा के आराम से अपनी नीडल को अंदर बाहर कर सकते हो। सो बेसिकली नीडल आप कितनी ज़्यादा बाहर चाहते हो इसको आप टर्न करके आराम से कर सकते हो। सो इस तरीके से मशीन काफ़ी छोटी लग रही है बट अगर आप इसकी एक्चुअल बैटरी को लगाते हो तो मशीन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अगर मैं कंपेयर करूं कैबलॉस के साथ तो आई गेस दिस इज़ अ बिट मोर लॉन्ग, बट डेफिनेटली कैबलॉस के अंदर आपको इंटरचेंजेबल कैम सिस्टम नहीं मिलता है और इसके अंदर आपको वो कैम सिस्टम मिल रहा है और आई गेस उसी की वजह से जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ मशीन अच्छे वेट की है, फॉरवर्ड और बैक बेंडिंग नहीं है, जो मेन इसका वेट है वो सेंटर में ही है। और इस बॉक्स के अंदर आपको साथ में एक टाइप सी केबल मिलती है, USB टाइप सी, एक एक्स्ट्रा बैटरी, RCA मॉड्यूल एंड देन दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट। सो अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है तो आप डायरेक्टली टाइप सी केबल लगा के इंडिविजुअल बैटरी मॉड्यूल्स को भी चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आपको चार्जिंग स्टेशन पे लगा के या चार्जिंग हब पे लगा के चार्ज करना है देन यू जस्ट प्लग इट लाइक दिस एंड देन आई जस्ट पुट माई केबल ओवर हियर एंड देन इट स्टार्ट्स चार्जिंग। सो इस तरीके से ये दिखाता है कि कितनी बैटरी अभी हो गई है इसकी। सो दिस इज़ प्रेजेंटली 58% एंड इट्स अ कूल लाइट दैट गोज अराउंड। सो इस तरीके से लगा के आप वर्क स्टेशन के ऊपर रख सकते हो एंड देन आप चार्ज कर सकते हो अपनी बैटरी को, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने जो बैटरी मॉड्यूल है उसको भी डायरेक्टली इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अगर आपको दोनों को चार्ज करना है तो अलग अलग टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हो। सो यहाँ पे ऊपर बटन्स दिए हुए हैं ऑन ऑफ का एंड देन देयर इज़ अ मोड बटन, प्लस वोल्टेज एंड माइनस वोल्टेज। सो व्हेन आई प्रेस द पावर बटन मशीन स्टार्ट होती है, यू गेट अ ओजी लोगो एंड देन डायरेक्टली द वोल्टेज मीटर कम्स अप। सो यहाँ पे सबसे ऊपर बैटरी दिखाई जाती है देन देयर इज़ हाउ मच वोल्टेज, देन ये आप ए बी और सी देख रहे हो। सो बेसिकली मेमोरी सेटिंग्स हैं, आप सेट कर सकते हो, तीन मोड्स दिए गए हैं आपको ए बी और सी। आप सेट कर सकते हो कि आपको आपकी कोई भी तीन प्रेफरेंसेस हो कि आपको 8 वोल्ट पे चाहिए, 9 वोल्ट पे चाहिए एंड देन 10 वोल्ट पे चाहिए, तो आप सेट कर सकते हो इसको एंड देन देयर इज अ टाइम। सो बेसिकली व्हेन आई प्रेस द माइनस बटन द वोल्टेज गोज डाउन एंड देन द प्लस इंक्रीजेस द वोल्टेज। सो बेसिकली कलर्स चेंज होते हैं आप जैसे ही वोल्टेज को कम करते हो या ज़्यादा करते हो, तो मैं इंक्रीज करता हूँ या कम करता हूँ। सो इट गोज़ टू ब्लू एंड देन इट गोज़ टू ग्रीन लाइक दिस। सो बेसिकली लेट्स से मेरे को 7.2 वोल्ट पे
अपने सी को सेट करना है। सो मैं बस मेमोरी को प्रेस करके रखूँगा एंड देन ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा यहाँ पे, और जब भी मैं मशीन को ओपन करूँगा मैं बस मेमोरी पे जाऊँगा एंड इट विल गो बैक टू 7.2 वोल्ट्स। सो इस मशीन को मैंने ट्राई किया 4 टाटूज में, जिसको मैंने एक टाटू को मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है। एंड आई कैन से वन थिंग दैट अगर आप 4 mm पे कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लाइन वर्क आता है, अच्छे से कलर पैकिंग होती है। हालांकि मैंने ब्लैक को पैक किया था और वो अच्छे से हुआ था, और मैंने जो पोर्ट्रेट किया था उसके लिए मैं 2.6 पे पहले लेके गया था सॉफ्ट शेडिंग के लिए, बट मुझे लेटली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं 2.8 पे या 3 पे कर रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रहा है। 2.8 के ऊपर अगर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लैग कर रही थी नीडल, बट 2.8 और 3 mm बहुत अच्छा था। दैट इज़ माई रिव्यू फॉर द मशीन। अगर आपको ये मशीन लेनी है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 19,700 रुपीज़, बट अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हो और मेरा कोड यूज़ करते हो देन यू गेट दिस मशीन फॉर 16,800 रुपीज़। सो 16,800 रुपये में यू गेट वायरलेस मशीन विद इंटरचेंजेबल कैम सिस्टम, यू गेट 2 बैटरीज एंड 1 RCA कनेक्टर विद द बॉक्स। सो आई फील दैट इज़ अ प्रिटी गुड डील, अच्छी डील है ये। और अगर आप ये शिप करके मंगवाते हो देन दे चार्ज यू 500 टू 600 रुपीज़ फॉर द शिपिंग। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मशीन के अंदर तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड ऑर्डर कर सकते हो मशीन को। 6 months की आपको वारंटी मिलती है मशीन के साथ, सो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो द कंपनी विल कवर अप एवरीथिंग। Thank you.
नाउ दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट रिव्यू. मैंने इस मशीन को 4 बार यूज़ किया है. लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए मैं कोशिश करूँगा 3 महीने बाद दोबारा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मशीन के साथ.